वेल हेलो माय डियर फैमिली मेंबर्स, आपका स्वागत है आपके चैनल में जिसका नाम है फिल्मी यारा। 29 जून का हमें बेसब्री से इंतजार है क्योंकि 29 जून को रिलीज होने वाली है संजू, संजय दत्त बायोपिक दोस्तों, जिसमें रणबीर कपूर संजय दत्त के रोल को किरदार को निभा रहे हैं फिल्म के अंदर। और साथ ही साथ परेश रावल हैं इसमें, मनीषा कोइराला जी हैं इसमें, इसमें दिया मिर्जा है, अनुष्का शर्मा है, विकी कौशल, बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं दोस्तों। इस फिल्म का डायरेक्शन कर रहे हैं राजकुमार हिरानी साहब। चलिए बताता हूं कि इसका जो ड्यूरेशन टाइम है, मतलब फिल्म की लेंथ कितनी है। फिल्म की लेंथ, दरअसल एक किस्सा बताता हूं आपको मैं, अभी रिसेंटली मीडिया में इंटरव्यूज हुए थे तो उस दौरान हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं यानी कि राजकुमार हिरानी, उन्होंने कहा कि भैया संजय दत्त की जो जीवन है, जो 50 साल की जो इतनी लंबी जर्नी है, उसे बहुत ही कम घंटों में दिखा पाना इज रियली इम्पॉसिबल एंड वेरी टफ टास्क। लेकिन हमने कोशिश की है कि हम कुछ चुनिंदा जो उनके हुए थे, जैसे कि ड्रग्स, टेररिस्ट वाला, उनकी गर्लफ्रेंड्स, तो उनको हम साथ लेकर आए हैं और हम संजय दत्त की फिल्म को 2 घंटे 35 मिनट में दिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 2 hours 35 minutes लॉन्ग है ये फिल्म, तो इसकी ड्यूरेशन ये है। Well, अब दोस्तों दिल की धड़कनें बढ़ चुकी हैं क्योंकि राजकुमार हिरानी साहब इस फिल्म का डायरेक्शन कर रहे हैं, और जो कि संजय दत्त यानी कि इंडियाज मोस्ट एलिजिबल जो थे बैचलर अपने टाइम के, जिनकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी, जो कि एकदम बाबा के रूप में थे, उनको देखने में भी बहुत ज्यादा मजा आएगा ऑन स्क्रीन। आई एम सुपर एक्साइटेड। तो जो इसकी ड्यूरेशन है 2 hours 35 minutes की है, आपको क्या है कहना इस बारे में? क्या आपको एक्साइटमेंट है संजू के रिलीज के लिए और नॉट? कमेंट सेक्शन में अपने इस फैमिली मेंबर मतलब कि मैं राहुल भोज को बताएं, एंड इसी तरीके की इंटरेस्टिंग अपडेट्स लाता रहेगा राहुल भोज एक्सक्लूसिवली ऑन फिल्मी आरा।